بسم الله الرحمن الرحيم خوب دا امتی سمجھ کے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی ساریاں دی اخیر بہترین بنا دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی اس عظیم و شان محفل پاک دے اندر میں جس جگہ تو اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا ہوئے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود دے اندر اٹھانے دی جس وقت سعادت حاصل کیتی اور عرض کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر اپنا سجا دودھ پیش کیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے حضرت حلیمہ سعدیہ دا سجا جڑا دودھ سی اونوں پینے دی مہربانی فرمائی آقا نے شفقت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ دا سجا دودھ قبول فرمایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ نے جس وقت اپنا کھبا دودھ پیش کیتا علماء فرماندے کہ سرکار نے او دودھ پینے تو انکار فرما دیتا حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ دی اس کائنات وچ خوش نصیب اور او باعزت ہستی ہے کہ جنہ دا تذکرہ جنہ دا ذکر جنہ دا نام اللہ دی اس پوری کائنات دے اندر بچے بچے نو یاد ہے میں کئی مرتبہ اپنی تقریر دے اندر عرض کرنے دی سعادت حاصل کردا رہنا اللہ دی اس کائنات وچ بڑے بڑے بندے دنیا دے اندر آئے لیکن انہاں دیاں دائیاں دا نام دنیا دے اندر گم ہو گیا ساری دنیا نو انہاں دیاں دائیاں دا نام یاد نہیں مثلا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح یہ بہت بڑی ہستی ہے بانی پاکستان نے قیامت تک ساڈیاں نسلاں بھی انہاں دا شکریہ ادا کردیاں رہن گیاں کیونکہ نسلی اور خاندانی بندہ ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے محسن دا احسان فراموش نہ ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح دی ساڈے دل دے اندر عزت انہاں دا احترام انہاں دا پیار پایا جاندا ہے اور اسی قیامت تک انہاں نوں سلام عقیدت پیش کردے رہاں گے اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دی دائی دا نام ساری دنیا نوں یاد نہیں حضرت علامہ اقبال بہت بڑا عاشق رسول گزریا ساڈیاں تقریراں اس وقت تک مکمل نہیں ہوندیاں جب تک علامہ صاحب دا اے شعر اساں پڑھنے دی سعادت حاصل نہ کر لئیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرت علامہ اقبال
सरकार दी दाई दा नाम सारी दुनिया नू याद नहीं। बड़िया बड़िया हस्तियां, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े उलमा अल्लाह दी इस कायनात विच तशरीफ लैके आए, लेकिन उन्हां दियां दाइयां दा नाम सारी दुनिया नू याद नहीं। हज़रत हलीमा शाह दी यादा ओ मरतबा, ओ फजीलत, ओ मकाम है। अज दी इस महफिल पाक दे अंदर जिहड़ा सब तो छोटा बच्चा तशरीफ फरमाए, मैं अगर उहदे कोलों सवाल करां कि बेटा है दस आका दी दाई दा नां की है, वो छोटा जिहा बच्चा भी दसेगा कि हज़रत हलीमा सादिया। साड़ी इस महफल के अंदर जिहड़ा बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, उस बाबा जी ते अगर सवाल किया जाए कि बाबा जी तुसा फरमाओ कि साढ़े प्यारे आका दी दाई दा नां की है, वो बुजुर्ग भी फरमाएगा कि उन्हां दा नां है हज़रत हलीमा सादिया। उहदी वजह की है कि हज़रत हलीमा सादिया दी दाई दा नां बच्चे बच्चे नूं जुबानी याद क्यों है, उहदा सिर्फ इक्को ही जवाब है कि हज़रत हलीमा सादिया वह खुश नसीब है कि जिसने मदीने वाले मुस्तफ़ा दी दाई बनने का शर्फ हासिल किया। तो हजूर की निस्बत और हजूर की बरकत यह है कि जो हजूर नाल निस्बत हो गई, आका दे नाल तलक और राबता हो गया, कायनात के अंदर वो चीज़ा उचिया हो गई, वो चीज़ा आला हो गई। और असी अहले सुन्नत असा तो जिसनों मनते हैं हजूर की वजह नाल और हजूर की निस्बत की बरकत के नाल ही मनते हैं। अगर असहाब काबले इज्जत ने, असहाब काबले एहतराम ने, उहदी वजह सिर्फ ये वे कि उन्हां दी निस्बत मदीने वाले मुस्तफा की जात पाक नाल है। हज़रत सिद्दीक अकबर का नाँ आए साढ़े कलेजे विच ठंड पैंदी है, हज़रत फरूक आजम का नाँ आए साढ़े कलेजे विच ठंड पैंदी है, हज़रत उस्मान गनी का नाँ आए साढ़े कलेजे विच ठंड पैंदी है, हज़रत मौला अली का नाँ आए साढ़े कलेजे विच ठंड पैंदी है। आका दे किसे यार दा नाँ, किसे असहाबी दा नाँ आ जाए, साडा दिल खुश हो जाता है, साडे कालजे दे अंदर ठंड पैंदी है, असी ठंडक महसूस करने हैं। और साडे माँ बाप अगर सुहाबा दियां पैरां दी खाके तो भी कुर्बान ने, उहदी वजह सिर्फ ये कि उन्हां दी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात पाक नाल है। हजूर अले सलाम दियां घरवालियां साड़ियां मावां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोमन वो है, मोमन उसनू आख्या जाता है कि जिहड़ा हजूर दी घरवाली नू अपनी माँ तस्लीम करे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा तो सदीका साड़ी माँ है, हज़रत खतीजा तुल कुबरा पाक साड़ी माँ है, हज़रत आयशा तो सदीका पाक साड़ी माँ है। अगर हजूर दियां घरवालियां काबले इज्जत और काबले एहतराम ने, साडे दिलां विच उन्हां दा एहतराम है, वो साडियां मावां, उन्हां दी वजह सिर्फ ये है कि उन्हां दी निस्बत भी साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात पाक नाल है। और अगर हजूर दी अहले बैत नाल असीं मुहब्बत करने हैं, हजूर दी आल नाल असीं मुहब्बत करते हैं, उहदी भी सिर्फ वजह यह है कि हजूर दी आल है, उहदी निस्बत उहदा तलक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात पाक नाल है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता सा कि हज़रत हलीमा सादिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर जदों अपना सज्जा दुध पेश कीता ते हजूर ने कबूल फरमाया, लेकिन जदों खब्बा दुध पेश कीता आका दी ज़ात पाक ने इनकार फरमा दिता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया दा खब्बा दुध जिहड़ा सी ओ कबूल न फरमाया। उलमा ने किताबों विच हिकमत लिखी है, उलमा फरमाते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया दा क्योंकि एक बेटा होर भी सी,
हजूर का एक रजाई भरा होर भी सी, हजरत हलीमा साहदिया का एक बच्चा सी जिहड़ा दुध पीण वाला सी। हजूर ने सज्जा दुध पीता ते खब्बे तो इनकार इस वास्ते फरमाया, आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि सज्जा मैं पीवांगा, खब्बा मेरा हक नहीं, ये मेरे भरा दूसरे का हक है। मैं दुनिया के अंदर किसी का हक खाण वास्ते नहीं आया, बल्कि लोगों नू भरा का हक दसन वास्ते आया। अगर अज भरा दे हक का सानू इलम है, ये हजूर अले सलातो वसलाम की जात पाक ने दसे। अगर बेटी के हक का इलम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम की जात पाक ने दसिया। ये हक सानू हजूर ने दसिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम की जात पाक ने दसिया। और फिर जी नबी की शीरत है, उहदे उत्ते सुहाबा ने अमल करने का हक अदा कर दिता। उलमा किताबा के अंदर ये लिखते हैं वाकया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम जदों मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नमाज पढ़ाते सन, जिथे एक नमाज पढ़ीए तो 50,000 नमाज का सवाब मिलता है। एक नमाज पढ़ीए 50,000 नमाज सवाब का, नमाज पढ़ने का सवाब सानू अता होंदा है। असी घर विच नमाज पढ़ीए तो एक दा सवाब है, मस्जिद के अंदर आके पढ़ीए तो 27 नमाजा का सवाब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का अगर सानू मौका नसीब होया तो 50,000 नमाज का सवाब सानू अल्लाह की जात पाक ने अता फरमाया है। भई 1400 साल बाद मेरे जैसा गुनाहगार बंदा मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज पढ़े तो उन्होंने 50,000 नमाज का सवाब है। उन्हें सुहाबा का की मरतबा तो मुकाम होगा कि जिन्हें सारी जिंदगी नमाजा पढ़िया ही ज़हरा के बाबे के पिछे हो। हजूर अलैहि सलातो वसलाम नमाज पढ़ाते हैं। हजूर का एक ऐसा सुहाबी भी है कि जिहड़ा नमाजे फजर हजूर के पिछे अदा करता है, लेकिन जो नमाज मुकम्मल हो जाती है फिर वह दुआ मंगण का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने घर जल्दी उठ के चलिया जाता है। तो सुहाबा ने भी उहदे इस अमल नूं वेख्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम ने भी वेख्या। सुहाबा ने अर्ज़ की कि या हज़रत साढ़े माँ बाप कुरबान हो जाए, फलाना जिहड़ा साडा पीर भाई है नमाज के जनाब के पिछे पढ़ता है, लेकिन नमाज पढ़ने तो पहले फिर वह दुआ मंगण का इंतजार नहीं करता, बल्कि जल्दी अपने घर की तरफ चलिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम की जात पाक ने दूसरे दिन जो नमाजे फजर अदा फरमाई और नमाज पढ़ने तो बाद हसबे आदत तो सुहाबी उठ के जान लग्या, तो सरकार ने इशारा फरमाया और आका अलैहि सलातो वसलाम ने पूछा कि ऐ मेरे गुलाम, नमाज मेरे पीछे अदा करना है और फिर जल्दी नमाज पढ़ने तो बाद दुआ का इंतजार भी नहीं करता और अपने घर चलिया जाना है, इसकी वजह। अर्ज की कि या हजरत, जिथे मेरा घर है मेरे घर के नाल एक यहूदी का घर है, तो रात का जो टाइम होंगे यहूदी के घर के अंदर एक खजूर है जी अजकल पकी हुई है और वह झुका मेरे सेहन की तरफ है। आका जो रात होंगी है ना, मदीने के अंदर ठंडी हवा चलती है, उस यहूदी दियां खजियां उहदे कुछ डोके उन्हां खजियां नालों कुछ खजूरां मेरे वेड़े विच गिर जांदियां। मैं नमाज अदा करके जल्दी इस वास्ते जाना, मेरे जहन विच ख्याल है कि हो सकता है कि मेरा कोई बच्चा मेरे जाने तो पहले पहले उस यहूदी दी कोई खजूर खा ना लवे ते कयामत आले दिन जवाब देना पवेगा। तो या हजरत, मैं जल्दी इस वास्ते जाना कि सारियां खजूरां मैं अपनियां जमा करके जिहड़ियां यहूदी दियां मेरे वेड़े वाले पासे हुंदियां, मैं वह खजूरां यहूदी दे सेन दे अंदर डेक दिना ताकि मैं हमसाए दा हक ना खावां ते हमसाए दी खजूर विच्चों कोई ऐसी गिट कोई ऐसी डोका कोई ऐसी खजूर मेरा बच्चा ना खावे कि जिदा क्यामत वाले दिन मैनू अल्लाह की बारगाह के अंदर हक अदा करना पवे। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम दे गुलामा की सीरत है। जदों मुस्तफा की सीरत बेमिसल ते बेमिसाल है, तो फिर मेरे नबी दे सुहाबा की सीरत भी बेमिसल ते बेमिसाल। तो हजरात,
मैं अर्ज करना चाहना और अजकल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दा साडा सारिआं दा हक बणदा है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक ने इरशाद फरमा दिता मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने हक अदा फरमा दिता उस हक दे उत्ते ही सानू कायम दायम रहना चाहिए। हजूर ने ही दसिया कि बेटी का हक की है, हजूर ने दसिया कि भरा का हक की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक ने ही दसिया कि हमसाए का हक की है। तुहाडे इलम विच तुसीं सुणदे रहिंदे हो कि हातम ताई की बेटी कैदी हो के दरबारे रसूल विच हाजिर सी। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर एक जंग होया ते जंग विच अल्लाह ने फतह अता फरमाई और हातम ताई की बेटी कैदी हो गई और कैदी हो के दरबारे रसूल दे अंदर हाजिर है और सुहाबा पाक ने उन्हें कैदी किया होया उहदे सिर दा एक वाल नंगा हो गया, दुपट्टा खिसकिया सी, मेरे आका अलैहि सलाम की नज़र पै गई। मेरे आका ने फरमाया कि प्यारे उमर बेटी के सर पे दुपट्टा दो। हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज की कि या हजरत मेरे मां बाप कुर्बान हो जान, ये जंग है ते जंग दे अंदर काफर लोग भी मुसलमाना दियां धियां भैणी भैणा कैदी कर दे ते काफर की बेटी असी कैदी की है, या रसूल अल्लाह जंग है ये काफर की बेटी है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि प्यारे उमर धी धी हुंदी है भावे मुसलमान की होवे भावे काफर की होवे। मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम दा जुमला दस गया कि जिस नबी दे दीन दे अंदर काफर दी बेटी दा इतना इज्जत ते इतना मर्तबा ते इतना मकाम है, पता नहीं मुसलमान दी बेटी दा कितना मकाम होवेगा, कितना मर्तबा होवेगा ते कितना शान होवेगा। मेरे आका अलैहि सलाम अपनी जगह तो खड़े होए और मेरे आका अलैहि सलाम ने उहदे सिर दे उत्ते चादर दित्ती ते चादर दे के फरमाया कि बेटा ये जंग है ते जंग दे अंदर गैर मुसलम काफर लोग मुसलमाना दियां धियां भैणां भी कैदी कर दे, मेरे गुलामां ने तैनू कैदी कीता है, अगर मेरे कोल रहना चाहवे तो ठीक है, वापस जाना चाहे तो मैं तेरे माँ बाप के घर तैनू पहुँचाने वास्ते तैयार हाँ। उस बच्ची अर्ज की कि या हजरत मैं अपने माँ बाप को जाना पसंद करांगी। मेरे आका अलैहि सलाम ने असहाबा की ड्यूटी लगाई, मेरे नबी के गुलाम जदों छोड़न वास्ते गए जाके दरवाजा खड़काया, अद्दी बिन हातम हातम ताई दे बेटे इस बच्ची दे सके भरा ने जदों दरवाजा खोलिया ते वेखिया कि भैन नू गैर मारम बंदियां दे नाल गैरत दी वजह नाल पूरे जिस्म दा जिहड़ा खून सी अखां विच आ गया ते पहला सवाल इस कीता इस आख्या मुसलमाना दे नबी नू कैसा पाया, मुसलमाना दे नबी दा किरदार कैसा पाया। ये दौड़ के अगे वधी ते कहण लगी मैं तेनू वास्ता पेश करनी आ कि तू मुसलमाना दे नबी दे खिलाफ अपने मुंह विचों कोई गलत लफज ना कड बवी, मेरा सका भरा भी मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत नहीं कर सकता, मेरा बाप भी अगर जिंदा होंदा तो मेरी इज्जत की इन्नी हिफाजत नहीं सी कर सकता जिनी मुसलमाना दे नबी ने मेरी इज्जत की हिफाजत की है। कह लग्या फिर ये जिहड़े सुहाबा तेनू छोड़न वास्ते आए इन्हां दे किरदार दे मुतलक तेरा की ख्याल है। उस आखिया मैं जितना भी सफर किया इन्हां मेरा चेहरा नहीं वेख्या, मैं इन्हां दा चेहरा नहीं वेख्या, नजरां नीचियां करके मैनूं छोड़न वास्ते आए। कहन लग्या जदों मुसलमाना दा नबी इतना बेमिसल ते बेमिसाल है और आका दे सुहाबा दा किरदार इतना बेमिसल ते बेमिसाल है ते फिर तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हुई। कहन लगी दिल ते चाहुंदा सी कि मुसलमान हो जा पर ख्याल आंदा सी कि ते भरा जन्मी होके ना मर जाए, तैनू लैण वास्ते आई आ दोवें भैण भरा नबी पाक दे पैरां नूं चुम के जन्नत दियां बहारां नाल लुट लईए। अजीजा ने गिरामी मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम दिशने दी जाते पाक ने ही दसिया कि बेटी का हक की है, मेरे आका दी जाते पाक ने दसिया कि माँ का मरतबा की है, मेरे आका दी जाते पाक ने दसिया कि दोस्ता भाई का मरतबा की है। ये सारिया गल्लां सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दी सीरत पाक विचों मिलियां। तुहाडे इलम विच माशाला जानदे हो इस बात को कि हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद मोहतरम आप दरिया का सफर कर रहे सन और दरिया के किनारे तो आप गुजर रहे सन और हजरत गौसे पाक दे वालिद मोहतरम का वाकया है कि आप गुजर रहे सन दरिया के कंढे उत्ते दरिया के किनारे उत्ते अचानक आप की नज़र पई कि एक सेब
उस दरिया दे विच इस तरह तरे आ रहे हैं। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे वालदे मोहतरम ने जो सेब वेखिया ना, आपने हाथ बढ़ाया तो उस सेब नू पकड़ लिया। भुख बड़ी लगी सी ते पहला लुकमा उस सेब दा सरकार ने दंद मुबारक लग गया ते लुकमा एक मूँह विच लिया गया। ते फिर ज़हन विच ख्याल आया कि यार मैं एक लुकमा खा बैठा ते मालिक की इजाजत तो बगैर खा बैठा ते कयामत आले दिन अल्लाह की अदालत में जाना है, अल्लाह की पेशी लगनी है। अगर कुछ हो गया तो मैं जवाब की देवगा। तो फिर ख्याल आया कि फिर मालक नूं मिलना चाहिए, एदी माफ़ी मंगनी चाहिए, आ दुनिया के अंदर ही माफ़ी हो जाए तो काम ठीक है। एक कयामत वाला दिन तो बड़ा औखा होगा, वह दिन तो बड़ा मुश्किल होगा। जो ज़हन में ख्याल आया ना तो उस पास ही रवाना हो गया जिधरों पानी पियांदा सी। ख्याल आया कि जेडे पासों पानी आ रहा है इसे पास ही बाग होगा जिथे ये सेब लगे हो, मैं मालक नूं दुनिया के अंदर ही लभ लवान, दुनिया के अंदर ही उहदे कोलों माफ़ी मंग लवान, ताकि कयामत दे दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर जाके अल्लाह की बारगाह के अंदर माफ़ी मंगना यह काम बड़ा औखा हो जाएगा। आप चलते चलते उस मुकाम उत्ते पहुँचे। एक जगह के उत्ते जो पहुँचे तो काफ़ी सारे सेबां के बूटे सन। आप उस मुकाम के उत्ते पहुँचे तो पूछया कि भई ये किस बंदे का बाग है, दसिया गया कि फलाने बंदे का है। आप उस दे दरवाजे ते पहुँचे तो कुंडी खड़काई, एक बुजुर्ग जिन्हां दी दाढ़ी मुबारक सफेद सी, सफेद कपड़े सन, आप बाहर निकले, नौजवान नूं वेख्या, हाँ भई नौजवान किस नूं मिलना है? इन्हें अर्ज की, हजूर मैं तुहानूं ही मिलना है, ये बाग किसका है? फरमाया मेरा है। कहन लगे अगर ये बाग तुहाडा है तो मैं इस बाग का एक सेब उहदे विच्चों भी एक लुकमा खाधा है, बाकी सेब मेरे हाथ में मौजूद है, तो मैं हाजरे इस वास्ते होया सा कि मेहरबानी फरमाओ, जरा मैनू माफ़ी दे दिओ। उस बंदे ने पैरों दे नखना तो लैके तो जुल्फ की चोटी तक इस बंदे नू वेख्या। बंदा साहबे हाल सी, अल्लाह का वली सी, बहुत बड़े उच्चे दर्जे ते पहुंचिया सी। फरमान लगे कि अल्लाह दे बंदिया, ये जिहड़ा सेब है इहदी माफ़ी इंज नहीं मिलनी, मेरिया कुछ शर्तां। कहन लगा जी शर्त की है? पर मैं पहली शर्त मेरी ये वे कि 12 साल मेरे इस सेब के अंदर, इस बाग के अंदर मुलाजमत करनी पवेगी, ये अंदर नौकरी करनी पवेगी, 12 साल देखभाल करनी पवेगी। 12 साल तो बाद फिर भी तेन मैं चेक करांगा, अगर उस म्यार ते होया तो माफ़ी हो जाएगी, म्यार ते नहीं होया तो फिर वेखा सोचांगे। सोची पै गया कि दुनिया के 12 साल गुजारना तो आसान ने, लेकिन कयामत वाले दिन हिसाब किताब देना ये जरा मुश्किल काम है। आपने फरमाया भी ठीक है, मैं 12 साल खिदमत करांगा। उलमा लिखते हैं कि 12 साल आप उत्ते खिदमत करते रहे। इन्हों 12 सालों के दरम्यान एक ऐसा मौका भी आया कि अल्लाह के उस नेक और मकबूल बंदे के कुछ परौने आ गए तो कुछ मेहमान आ गए। उसने फरमाया कि ऐ अबू साले, अर्ज की जी हजूर। फरमाया जाओ आ मिठे मिठे अनार लै आओ तो मेरे परौने आ गए। आप गए तो अनार लैके आए, तो जेडे अनार लैके आए ना, अनार जो तोड़े गए तो सारे तुरश सन, खट्टे सन। उन्होंने फरमाया कितना अरसा हो गया मेरे बाग की खिदमत करते हैं? कह लगे जी काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल गुजर गए। फरमाया इतने सालों के अंदर तेनों पता नहीं लगे कि इन्हों के अंदर खट्टे बूटे किड़े ने, मिठे किड़े ने? रो के कह लगे कि इतने अरसे के अंदर मैं कोई दाना तोड़ के खाधा हों तो मैं पता लगता, मैं तो सिर्फ एक उस लुकमे की भुल पिया बख्शाना, मैं उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत मेरी जान है, मेरे इलम कोई नहीं, तेरे बाग के अंदर मिठे बूटे केड़े ने, तेरे बाग के अंदर खट्टे बूटे केड़े। अजीजा ने गिरामी फरमान लगे हुण मैं तेनू माफी दिना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहन लग्या जी दसो तू केड़ी शर्त है? कहन लग्या शर्त ए वे कि मेरी एक बेटी है जिदे दोवें हाथ कोई नहीं, दोवें अखां कोई नहीं, दोवें कन कोई नहीं, मूँह के अंदर जुबान कोई नहीं, अगर उन्हों तू अपने निकाह के अंदर कबूल कर लवे, ये मेरी शर्त है, अगर कबूल कर लवे तो फिर मैं तेनों ये माफ़ कर देंगा, अगर कबूल ना करे तो फिर जाओ। सोची पै गए जेन के अंदर ख्याल आया कि है तो दरवेश है तो लोह दी लोह, जिदे हाथ कोई नहीं, जिदे पैर कोई नहीं, अखा कोई नहीं, जुबान कोई नहीं, मगर फिर ख्याल कर देन कि चलो जनाब इनू निकाह के अंदर कबूल कर लीए, आ दुनिया की कैद के आजादी मिलती है, आ कैद ते मुकम्मल होंगी है। मुसलमानों सुनो जरा तवज्जो ते गौर नाल, हजरत अबू साले ने फरमाया, आपने फरमाया बाबा जी सरकार मैनू ये शर्त कबूल है।
निकाह हो गया। निकाह होने तो बाद जो आप तशरीफ लै गए तो वेख्या कि सही सलामत वो जी बीबी है बिल्कुल सही है, फिर परेशानी आ गई, फिर जेहन में ख्याल आया कि अल्लाह का नेक और मकबूल बंदा तो आंदा सी कि दोवें हाथ कोई नहीं, उन्होंने फरमाया सी कि पैर कोई नहीं, उन्होंने फरमाया सी कि जुबान कोई नहीं, परेशान हो गया तो इधर अल्लाह का नेक और मकबूल बंदा आया तो हाल सुनाया, उन्होंने फरमाया मैं जो कुछ आख्या सी हक आख्या सी, मैं आख्या सी पैर कोई नहीं, ये मैं इस वास्ते आख्या सी ये मेरी बेटी जिस दिन की मेरे घर पैदा हुई है उस दिन तो लैके आज दे दिन तक इन्हें अपने पैरां नाल मेरी दहलीज क्रास नहीं कीती, मेरे घरों इन्हें बाहर कदम रखिए कोई नहीं, मैं इस वास्ते आख्या सी इहदे पैर कोई नहीं, मैं आख्या सी जुबान कोई नहीं, क्योंकि अज तक इहदी जुबान विचों निकलिया होया लफ्ज़ इहदे मूंह विचों निकली हुई गल किसे गैर मारम ने सुनी कोई नहीं, मैं आख्या सी इहदे कन्न कोई नहीं, अज तक इहदे कन्नां दे अंदर किसे गैर मारम दी आवाज कोई नहीं पई, मैं इस वास्ते आख्या सी मुसलमानो मैं बात नूं ज्यादा तूल नहीं दिता, वाकई नूं बढ़ाया नहीं, मैं नतीजा पेश करना चाहना कि जो बाप इतना परहेजगार होगा, मां इतनी परहेजगार होगी, नाना इतना परहेजगार होगा, तो उस जिसम विचों जिहड़ा बेटा दुनिया से पैदा हो हजरत गौसे पाक ना बनता तो की बनता, ग्यारहवीं वाला पीर ना बनता तो की बनता। एक बार जरा सारे साथी मुहब्बत नाल फरमा दिओ सुभान अल्लाह, एक बार फिर मुहब्बत नाल अल्लाह का जिक्र करो, जरा उच्ची आवाज नाल फरमाओ अल्लाह ताला का जिक्र पाक करदियां रहना चाहिए, ये सुभान अल्लाह जो बंदा एक बार आंदा है ना इहदा सवाब कयामत वाले दिन इतना होगा वो असी सोच भी नहीं सकते कि कितना सवाब अल्लाह अता फरमाएगा, इहदा मन बनता कि अल्लाह पा के ये सुबहान अल्लाह के लफज का जिहड़ा मफहूम है जिहड़ा मन है वह बनता है कि जो असी आने सुबहान अल्लाह उहदा मन बनता कि अल्लाह पा के अल्लाह नूं कोई पाक मने अल्लाह तां भी पा के अल्लाह नूं कोई पाक ना मने तो अल्लाह तां भी पा के, मगर जो इतने बजमे के अंदर असा ऐलान करने कि या अल्लाह तू पाक है, अल्लाह खुश हो के फरमांदा है कि मेरे बंदे मैं ते पाक ही पाक हाँ, पर तू ऐलान किया ही कि तू पाक है, फरमाया जा मैं राजी हो के अपने महबूब दे वसीला जलीला नाल तैनू गुनाहों तो पाक कर दिता। असा अगर अज किसी की नहक चीज खा रहे हैं, किसी की कोई चीज़ खाने पै तो सिर्फ इस वास्ते पे खाने साढ़े जेहन में कि अगर इंज नहीं करांगे तो फिर साडा की बनेगा, हालांकि ऐसा नहीं, रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि मैं तेरे रिज़्क का जिम्मेदार हाँ, तैं तेनू मैं रिज़्क देंगा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तेरे रिज़्क की जिम्मेदारी मैं अल्लाह ने उठाई है, रिज़्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह कोल है, असीं समझने कि शायद असीं अपनी अकल रिज़्क इकट्ठा पे करने हैं, अगर रिज़्क अकल की वजह इकट्ठा होंदा तो बेवकूफ सारे भुखे मर जाते, हजरत बाबा शेख साधी सरकार फरमाते हैं कि रिज़्क का तलक अकल नाल नहीं, मता तेरे जेहन में ये हो तू अकल की वजह रिज़्क जमा पिया करना है, अकल की वजह रिज़्क इकट्ठा पिया करना है, अगर अकल की वजह रिज़्क इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर बेवकूफ तो सारे भुखे मर जाते, नाले रिज़्क अकल की वजह नाल भी नहीं, रिज़्क कारोबार की वजह नाल भी नहीं, रिज़्क ती अल्लाह की रहमत नाल है, वो जितनू जिन्ना चाहे ते जिसनू चाहे ते जितना चाहे अता फरमा सकता है, ये मेरा अल्लाह अता फरमांदा है, मेरा अल्लाह जितनू चाहे रिज़्क अता फरमा सकता है, चलो ऐस दुनिया के अंदर रह के असी कारोबार भी करने हैं, असी सारा कुछ पे करने हैं, मगर जो असा माँ के पेट में 9 महीने पुठे लटकते रहे हैं, मैनू दसो उत्थे किहड़ा कारोबार सी, उत्थे ते सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे हैं, अल्लाह का विरद करते रहे हैं, अल्लाह फरमांदा जब माँ के जिसम के अंदर से मैं तेनू उत्थे भुखा नहीं रहन दिता, ते फरमाया मैं तेनू पैदा अपनी इबादत वास्ते कीता है, ये अपनी इबादत वास्ते कीता है, हराम तरीके नाल रिज़्क इकट्ठा ना कर, हराम तरीके नाल रिज़्क नू जमा ना कर, किसे दा ना हक हक खाण दी कोशिश ना कर, फरमाया तू मेरी तस्बीह बयान कर, मुहम्मद दा रब तेनू मां दे जिस्म विच भी रिज़्क अता करदा रिहा है, ते मुहम्मद दा रब अपनी रहमत नाल हुण भी तेनू अरशां तों रिज़्क अता फरमांदा रहेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक बड़ी सोहनी जी गल किताब के अंदर मैं पढ़ी है तो मैनू बड़ी अच्छी लगी है, मैं जनाब के सामने
पेश करने की शहादत हासिल करा। बुजुर्गों जिहड़ियां गल्लां लिखियां ने सोहणियां लिखियां ने। एक माई का मकान सी किसे वड्डे बंदे दी कोठी दे करीब। आ गरीब बंदियां दे मकान हुंदे ने वड्डे बंदियां दे मकानां दे नाल, यानी उह माई गरीब सी और बेवा भी सी। अग्गा पिछा उहदा है कोई नहीं सी, बेवा भी सी और करीब दे अंदर उहदे घर दे करीब किसे अमीर बंदे दा किसे वड्डे बंदे दा मकान सी। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਝੂਪੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੰਝ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫੂਲ ਕੀ ਪੱਤੀ ਸੇ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਕਾ ਜਿਗਰ, ਮਰਦੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਪੇ ਕਲਾਮੋ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ਕ ਬੇ ਅਸਰ। ਨਾਜ਼ਕ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਾਫੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।